अगर मैं आप लोग के हाथ में एक फोन दे देता हूँ एंड सामने एक बंदा सीढ़ी पर चढ़ रहा हूँ, मैं बोलूंगा चलो इसका फटाफट क्रिएटिव वीडियो बना करके दिखाओ, तो आप लोग क्या करोगे, मोबाइल का कैमरा ओपन करोगे, वाइड एंगल पर सेट करोगे, एक्सपोजर को लॉक करोगे ताकि ब्राइटनेस अप डाउन ना हो, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करके फटाफट से आप लोग वीडियो को बना लोगे एंड वीडियो आप लोग का निकल के आएगा कुछ इस तरीके का। तो यही सारी गलतियां आप लोग को अपनी वीडियो को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए रोकती है। चलो सेम कंडीशन सेम सिचुएशन, मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ एक फोन है, मैं आप लोग को एक क्रिएटिव वीडियो बना करके दिखाता हूँ। मैंने अपने फोन को उल्टा किया, सपोर्टिंग हैंडल पर ले जाकर रख दिया, वाइड एंगल पर सेट किया, एक्सपोजर को लॉक कर दिया ताकि ब्राइटनेस अप डाउन ना हो। वीडियो को मैं 240 fps पर रिकॉर्ड करूंगा यानी स्लो मोशन में। नॉर्मली सारे फोन में ये ऑप्शन अभी दे दिया गया है। एंड नीचे की तरफ लाते हुए कुछ इस तरीके से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर लूंगा। अब ये दोनों वीडियो आप लोग के सामने है, ये दोनों वीडियो को रिकॉर्ड किया गया सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन से, लेकिन यहाँ पर फर्क आता है एंगल ऑफ व्यू का, जो कि आप लोग को सोचना होता है कि इसे कैसे रिकॉर्ड करना है। तो हे गाइस, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं योर स्मार्ट मेकर, एंड आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिकली इस तरीके की वीडियो पहले मैं नहीं बनाता था, लेकिन जब मैंने रील पर इस तरीके की वीडियो को अपलोड किया तो वहां पर काफी अच्छे रिस्पांस मिले, तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, थोड़ा डिटेल में आप लोग को यूट्यूब पर आकर के समझाया जाए कि कैसे इस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, कैसे इसे फिल्टर ऐड करना चाहिए, कैसे वीडियो को स्टेबल रिकॉर्ड करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग यही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक कर दो और आखिर में वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जिसके साथ भी आप लोग ये सारी चीजें शूट करने का सोच रहे हो। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम किल ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। Okay, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये कंडीशन में क्या हो रहा है, सामने एक बंदा साइकिल चलाते हुए आ रहा है एंड हमें उसका एक क्रिएटिव वीडियो बना करके देना है एंड हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक फोन है। अब इसको क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि कैमरा ओपन करेंगे, वाइड एंगल पर सेट करेंगे, फटाफट से यहाँ से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग का वीडियो निकल के आता है कुछ इस तरीके से। इसे एकदम बुरा भी नहीं बोल सकते हैं, बट इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है कि आप लोग को ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक लगे। तो अब इसको आप लोग को प्रो लेवल तक कैसे बनाना है वो चीज देखो। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, सेम सिचुएशन भी है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक फोन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मॉनसून का सीजन चल रहा है, रोड किनारे थोड़ा बहुत पानी भरा होता है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपने फोन को उल्टा करके वो पानी के पास रखेंगे एंड गाइस, अगर आप लोग लो एंगल से वीडियो बनाते हो तो आप लोग का वीडियो काफी क्रिएटिव लगता है। इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर वाइड एंगल पर सेट करेंगे एंड ये वीडियो को हम लोग 240 fps पर रिकॉर्ड करेंगे यानी स्लो मोशन में। तो वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद सिंपली हम लोग अपने फोन को आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग अपने फोन को एक जगह पर रखते हैं तो वो मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूवमेंट करोगे तो आप लोग का रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का लगेगा। तो आगे की तरफ मूव करना है एंड जैसे साइकिल हमारे पास आती है हमें 90 डिग्री पर राइट साइड में रोटेट कर देना है। अब ये तो हो गया प्रोडक्शन का काम। अब इसे और अच्छा और नेक्स्ट लेवल तक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करना होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें कलर ग्रेडिंग होती है जिसे फिल्टर भी कहते हैं, स्लो मोशन फास्ट मोशन होता है, बीट पर बैठाया जाता है एंड थर्ड थिंग क्या होता है, इसे क्रॉप वगैरह करके एक प्रॉपर फ्रेम पर बिठाना होता है। तो जो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, ये वीडियो को 90 डिग्री पर रोटेट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद फिल्टर ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे फ्री एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाते हैं, जैसे कि प्रीक्वेल करके मिल जाता है, 3D लट मिल जाता है, विटा ऐप मिल जाता है। तो ये सारे ऐप के अंदर आप लोग को फ्री फिल्टर्स मिल जाते हैं, आप लोग सिंपली चेकआउट कर सकते हो, जो भी फिल्टर आप लोग को समझ में आता है वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। अब ये सारी चीजें करने के बाद वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से आता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके, सो पढ़ते हैं अब हमारे अगले कंडीशन में। अब ये कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक बंदा सीढ़ी पर चढ़ रहा है एंड हमें इसका क्रिएटिव वीडियो निकाल करके देना है। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि क्या करेंगे, वाइड एंगल पर सेट करेंगे, कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत डायरेक्शन वगैरह चेंज करेंगे तो शायद थोड़ा सा अलग एंगल बने, बट वीडियो का रिजल्ट आप लोग का निकल के उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसको थोड़ा बहुत और क्रिएटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, सिंपली हमें अपने फोन को उल्टा करना है एंड ले जाकर के रख देना सपोर्टिंग हैंडल पर एंड थोड़ा ऊपर ले जाकर के रखना एंड यहाँ पर हमें वाइड एंगल पर सेट करना है, अपर्चर वगैरह को लॉक करना है ताकि ब्राइटनेस अप डाउन ना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करना।
करना है। शुरू करने के बाद नीचे की तरफ हमें लाना है, मॉडल जो रहेगा वो उसके ऊपर हाथ रखते हुए कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर फिल्टर ऐड करना, बाकी रोटेट वगैरह नहीं करना है। एंड वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से बनता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर के आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले एक साल में बस इंडिया में ही 80 मिलियन से ज्यादा लोगों का ऑनलाइन डाटा चुराया गया था एंड इसे गलत तरीके से यूज किया जा सकता था। तो इसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर बात वीपीएन की आती है तो हम लोग सर्फशार्क को कैसे भूल सकते हैं? सर्फशार्क पूरी दुनिया में टॉप 3 वीपीएन में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बाकी सारे वीपीएन के मुकाबले ज्यादा सिक्योर एंड सस्ता है। ये मेनली आपके डाटा को सिक्योर तो करते ही है, जिससे आप लोग का डाटा कोई भी हैक नहीं कर पाता। उसी के साथ साथ इसमें ऐसे और भी कुछ कमाल के फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को शायद ही किसी और वीपीएन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये टारगेट ऐड से बचाता है, जिसमें आप लोगों का इंटरनेट एंड टाइम दोनों बचता है। और उसी के साथ ये आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे भी बचाता है। मान लो अगर आप लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो तो सर्फशार्क आप लोगों को ऐसे कूपन कोड्स ढूंढ करके देगा जो कि आप लोगों को 50% तक सेव कर सकते हो। और उसी के साथ आप लोग यहां पर न्यू कंटेंट भी देख सकते हो। आपको पता होगा हर कंट्री में एक ऐसी मूवी होती है जो कि सिर्फ आप लोग वहीं पर देख सकते हो, जैसे कि द ऑफिस सीरीज नेटफ्लिक्स पर आप लोग इंडिया में नहीं देख सकते हो। तो इस वीपीएन की मदद से आप लोग लीगली अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो एंड द ऑफिस सीरीज आप लोग नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो और 30 डेज के अंदर कैंसिल करना चाहते हो तो आप लोग इजीली कर सकते हो, आप लोग को आपके पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी इसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा महंगा नहीं है। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड तारिक TARIQ को यूज करते हो तो लिटरली आप लोग को 83% का ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जाओ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को यूज करो और मेरा कूपन कोड तारिक को यूज करना मत भूलना। ओके, सो पढ़ते हैं हमारे अगली कंडीशन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग समंदर के किनारे आ गए हैं एंड हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक फोन है एंड उसके अलावा कोई भी और ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। अब ये कंडीशन में मैं क्या करूंगा, पहले की तरह मैं जमीन पे देखूंगा कहीं पर पानी तो नहीं भरा हुआ है एंड मुझे एक जगह पर थोड़ा बहुत पानी मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पंगा हो रहा है, जो पानी मुझे मिला वो इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं है कि मैं अपने फोन को आगे की तरफ मूव करूं जैसा कि मैंने पहले किया हुआ था। यहाँ पर अगर फोन में हम लोग मूवमेंट नहीं करते हैं तो वीडियो में इतनी मजा नहीं आएगी। मूवमेंट लाने के लिए मैंने एक फेक वेव लाई पानी के अंदर उंगली को कुछ इस तरीके से डिप करते हुए। तो जैसे मैंने उंगली को डिप किया तो पानी के अंदर एक वेव बनी जो कि काफी अच्छा लुक देगा हमारी वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करूंगा एंड जो सेटिंग होगी वो पहले की तरह ही रहेगी, स्लो मोशन में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जो मॉडल रहेगा वो सिंपली आगे की तरफ कुछ इस तरीके से वॉक करेगा एंड हमें वीडियो को बिल्कुल इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग इसको भी 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, थोड़ा बहुत फिल्टर वगैरह ऐड कर देंगे एंड वीडियो का रिजल्ट किस तरीके से बनता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। तो यहाँ पर मैं नेचर का एंड टाइमिंग का एक प्रॉपर यूज करते हुए बहुत ही प्यारी वीडियो निकाली है। तो देखो, इसको शूट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिल गई जहाँ पर एक पेड़ था सिंगल में एंड नीचे छोटी छोटी घास थी, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, एंड जो टाइमिंग था वो शाम का था जब सूरज डूबता है। तो सबसे प्रॉपर टाइम होता है ये वीडियो शूट करने के लिए। तो कैसे मैंने इसको शूट किया, मोबाइल को उल्टा करके वो घास पर ले जाकर के मैंने मोबाइल को चिपका दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हुए पीछे की तरफ मैं आया एंड जो मॉडल था वो मोबाइल के आगे अपना पैर रखते हुए आगे की तरफ चला गया। मॉडल जो था वो सिंपली आगे की तरफ मूव किया एंड मैं जो था वो सिंपली पीछे की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर जो मोमेंट है वो बहुत ही बढ़िया आप लोगों को लगेगा। लेकिन अगर आप लोग के फोन में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है तो आप लोग की वीडियो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं बनेगी। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं, मैं उसका भी जुगाड़ आप लोग के लिए ले आया हूँ जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसका रिजल्ट देख लो।
ओके, सो बढ़ते अब हमारे अगले टिप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक एंट्री शॉट लिया है जो कि मैंने आरआर मूवी से इंस्पायर्ड होकर के बनाया है। एक सॉन्ग में आपको ऐसा टायर वाला शॉट दिखेगा जहाँ पर रामचरण टायर के अंदर आते हैं, जो कि काफी कूल लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना रियल लाइफ में भी ये चीज ट्राई करी जाए। किस तरीके से मैंने इसे शूट किया वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने एक टायर को लिया, वो टायर को पहले प्रॉपर एक फ्रेम पर ले जाकर के मैंने रख दिया। उसके बाद अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल को उल्टा किया और टायर के सामने कुछ इस तरीके से प्रॉपर पहले फ्रेम को बिठा लिया। मॉडल जो था थोड़ा सा दूर था ताकि टायर के अंदर प्रॉपर तरीके से दिखे। एंड ये वीडियो आप लोग को वाइड एंगल पर लेना पड़ेगा, तभी सामने वाला मॉडल टायर के अंदर प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। टायर को आगे की तरफ बंदा पुश करेगा एंड हमें आगे की तरफ जाते हुए कुछ इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, अगर आप लोग के फोन में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है और दूसरी चीज अगर आप लोग के पास गिम्बल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को तीसरा ऑप्शन देता हूँ। आप लोग पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे मोबाइल के एप्लीकेशन है जैसे कि पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, यहाँ पर आप लोग को स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहां पर जाकर के आप लोग अपनी वीडियो को स्टेबल बना सकते हो अगर आप लोग की वीडियो स्टेबल नहीं बनती है। तो अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद वीडियो आप लोग किस तरीके से निकल के आता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं हमारे आखिरी नंबर पर। एंड यहाँ पर मैंने आई ग्लासेस की मदद से क्रिएटिविटी करी है। आई ग्लासेस को मैंने जमीन पर रख करके वीडियो बनाया, बट अगर आप लोग एक सूखी जमीन पर रख करके ये वीडियो को शूट करते हो तो आप लोग का रिजल्ट इतना परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको परफेक्ट लगने के लिए मैंने क्या किया, जो छोटी छोटी घास होती है वो घास पर ले जाकर के मैंने वो चश्मे को रख दिया। उसके बाद अपने मोबाइल को मैंने जमीन पर रखा उल्टे करते हुए। एंड यहाँ पर आप लोग को अपने कैमरे को वाइड एंगल पर सेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग वाइड एंगल पर सेट करते हो तो चश्मे के अंदर का जो फ्रेम है वो भी फोकस में रहेगा एंड बाहर का जो फ्रेम है वो भी फोकस में रहेगा। अपने को क्या करना है, जो चश्मे के अंदर का फ्रेम है उसको फोकस में रखना है एंड बाहर का जो फ्रेम है उसे ब्लर रखना है, तो काफी कूल इफेक्ट लगेगा। तो 1x पर आप लोग को ये वीडियो को शूट करना है, चश्मे के अंदर टैप करते हुए रखना है एंड फोकस को लॉक कर देना है। वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पर शुरू करना है। शुरू करने के बाद जो मॉडल रहेगा चश्मे के आगे पैर रखेगा एंड सिंपली वॉक करते हुए हमें ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। एंड रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में आप लोगों को बस स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन को बीट पर बिठा देना है। उसके बाद रिजल्ट किस तरीके से निकल के आता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस ये थे आज के मेरे कुछ खास मोबाइल वीडियोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स। बेसिकली इस बार मैंने ट्राई किया कि आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लाऊं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल वीडियोग्राफी से रिलेटेड बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप लोगों को नया कुछ सीखने को मिला हो और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाकर के वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो ताकि उनको भी पता चल पाए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन से क्या कुछ नहीं शूट कर सकते हैं। तो जाकर के वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, मैं इसी तरीके की मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। एंड अगर आप लोग अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो VPN को एक बार जाकर के जरूर से डाउनलोड कर लेना। तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।